हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हालांकि पूछा नहीं है सिलेबस में, हम लोग एक बात बता दूँ कि सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में पूछा है। ठीक है, फालतू की बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेट कर दें, हम मुश्किल कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है और जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर किया जाएगा, आपको नोट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी पहले जान लेते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी या आप समझिए मेडिकल स्टोर, ये तो जानते होंगे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। इज़ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच ऑफ फार्मेसी, ये क्या है फार्मेसी का बहुत फेमस एक ब्रांच है, एक पार्ट है। क्या करता है ये, इस वाले में क्या होता है, तो प्रोवाइड मेडिकेशन। तो ये जो ब्रांच है यानी कम्युनिटी फार्मेसी, ये मेडिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी दवाएं वगैरह प्रोवाइड करता है, एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, और हेल्थ केयर सर्विस क्या करता है ये प्रोवाइड करता है, मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए, सेहत को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, तो दवा वगैरह देता है, इंजेक्शन लगाता है और बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताता है। आगे वो आ रहे हैं आगे चैप्टर में कि फार्मासिस्ट के क्या क्या काम होते हैं, कैसे वो हेल्थ केयर सर्विस अपनी दे सकता है, वो सब हम लोग आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोगों को क्या करता है, वो हेल्थ केयर सर्विसेज देता है, यानी बहुत सारी बातें बताता है कि ये करिए, ये ना करिए, ऐसे मतलब इन्वायरमेंट को रखिए, घर को साफ करिए, दवा ऐसे लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ठीक, तो आप ये समझ होंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, तो एक मेडिकल स्टोर होता है समझ लीजिए, या इसको रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं, जहाँ से दवाएं क्या होती हैं डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, बेची जाती हैं, दी जाती हैं, लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, यानी किसी डॉक्टर ने लिखा है, और कभी दवाएं ऐसी भी दी जाती हैं जो बिना प्रिस्क्राइब्ड के भी होती हैं मेडिकल स्टोर से, कम्युनिटी फार्मेसी से। ठीक, तो आप ये समझ गए, अगर मान लीजिए डेफिनेशन पूछ लेते हैं एक दो नंबर में, तो आप ये दे सकते हैं उसमें। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री पूछा है कि कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, यानी कैसे कैसे ये डेवलप हुई। हिस्ट्री में समझिए कि पूछा जाता है कि पीछे इसका इतिहास क्या है, यानी कि आगे की बातें या अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब नहीं, बल्कि कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, क्या इसको दिक्कतें आई, कैसे इसमें चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें हिस्ट्री में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, अब मैंने इसको पॉइंट में कर दिया है ताकि याद करने में आपको आसानी हो। अगर मैं ऐसा कर देता सारा एक साथ मिला के लिख देता तो आपको लगता है यार इतना बड़ा पैसेज है कैसे याद करें इसको, इसलिए मैंने पॉइंट बना बना के दिए हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इन एंशियंट टाइम फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कम्युनिटी फार्मेसी की बात हो रही है। ठीक, फार्मेसी प्रैक्टिस वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज टूडे, ये कह रहा है जो पिछला ज़माना है यानी पुराने समय में, जैसे आज मेडिकल स्टोर का एक मतलब सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि मेडिकल स्टोर क्या होता है, वहाँ से क्या फ़ायदे नुकसान क्या हैं, लोग उसको जानते हैं, उसी को बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड। तो आज के ज़माने में जैसे रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसे पिछले ज़माने में, पिछले टाइम में, पुराने समय में फार्मेसी यानी कम्युनिटी फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस क्या था, रिकॉग्नाइज्ड नहीं था। ठीक है, एंड वॉज नो स्कोप, और इसका कोई स्कोप भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग मतलब फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो, कोई स्कोप नहीं था, तो कोई बनना भी नहीं चाहता था, बहुत थोड़े से लोग थे। ठीक, दूसरी बात इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, देयर वॉज नो नीड ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, उस ज़माने में कम्युनिटी फार्मेसी की यानी समझिए कि मेडिकल स्टोर की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, कि जो यूनानी या आयुर्वेदिक या और भी जो मतलब सिद्धा एक तरीका होता है दवा करने का, तो जो भी ऐसे डॉक्टर्स होते थे वो क्या करते थे, डिस्पेंस मेडिसिन बाई देम सेल्व, वो खुद ही क्या करते थे, मतलब वो डॉक्टर है कोई उनके पास आया तो वो खुद ही क्या बीमार को देखते थे, अच्छा ये बीमारी है, उसकी दवा खुद ही दे देते थे, तो मेडिकल स्टोर की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, या फिर क्या करते थे, उनके पास ही खुद वहीं पे वर्कर्स होते थे और उनसे कहते कि ये दवा मिला कि इसको दे दो, या ये दवा निकालो, एक पुड़िया करो कागज़ में, इसको पैक करके इसको दे दो, तो वहाँ पे वो सारा काम हो जाता था, अलग से मेडिकल स्टोर की ज़रूरत पिछले ज़माने में नहीं थी। ठीक, फिर कि देयर, तीसरा पॉइंट क्या है, देयर वर नो प्रोफेशनल कोर्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, ऐसे ही पिछले ज़मानों में, बल्कि समझिए कि 1948 से पहले कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं था इसके लिए, जैसे कि आज देख रहे हैं लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं थे कि जो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस करा सके, यानी लोग उसको सीखें और जाके काम कर सकें। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं था कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए।
अब चौथा पॉइंट क्या है, व्हेन एलोपैथिक, व्हेन एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम स्टार्टेड, जब ये अंग्रेजी दवाओं का सिस्टम शुरू हुआ, मतलब वो यूज़ की जाने लगी, इन बिगिनिंग्स, शुरू में क्या हुआ, डॉक्टर्स डिस्पेंस द मेडिसिन themselves, तो शुरू में यहाँ भी क्या था कि डॉक्टर खुद ही मतलब किसी बीमार को चेक किया और दवा जो होती थी खुद ही डिस्पेंस करते थे, यानी मरीज को पेशेंट को दे देते थे, ठीक। फिर क्या हुआ, बट विद द पासेज ऑफ टाइम, बल्कि फिर क्या हुआ कि टाइम के साथ, गुजरने के साथ साथ, जैसे यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, आगे बढ़ता गया, टाइम बीतता गया, दे स्टार्टेड हैविंग वर्कर्स, फिर उन्होंने क्या कर लिया, अपने साथ कुछ वर्कर्स रखने लगे, यानी काम करने के लिए लोग रख लिए। तो क्या करते थे वो लोग, देन डॉक्टर प्रिस्क्राइब द ड्रग, तो फिर क्या करते जो डॉक्टर थे वो अपना अलग एक मतलब चैम्बर बना लिया, कोई एक कमरा बना लिया, वहाँ पे डॉक्टर लोग क्या करते मरीज को देखते थे, फिर वहाँ से पर्ची लिखते, कहते जाइए वहाँ पे, वो लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे दवा वगैरह रखी, वहाँ से दवा ले लीजिए। तो वहाँ से क्या करते थे, वो प्रिस्क्राइब करते और जो वर्कर्स होते थे वो जाके वर्कर्स से लोग दवा लेके चले जाते थे। तो ये होने लगा, देन डॉक्टर प्रिस्क्राइब द ड्रग एंड वर्कर्स कंपाउंड एंड डिस्पेंस द ड्रग, तो वर्कर्स जो होते थे वो दवाओं को कंपाउंड करते थे और उसको फिर क्या करते थे, दे देते थे। कंपाउंड का मतलब ये है कि जैसे कि कई सारी दवाओं को भी ऐसा होता था मिला के फिर एक दवा बना के उनको दे दिया जाता था, मान लीजिए तीन चार पाउडर हैं तो उन चारों पाउडरों को मिला के, अब ये नहीं कि अब ये रहता था ना कौन सा कब मिलाएंगे, कौन सा पाउडर कहाँ रखा है, हर कोई जानता नहीं है, तो वो जो वर्कर्स रहते थे वो क्या करते थे, उसमें डब्बे में से निकाला, उस डब्बे में से निकाला और मिला दिया तो कंपाउंड कर दिया, या ये कि अलग अलग दवाओं के अलग अलग पुड़िया बना के फिर उसको क्या करते थे, दे देते थे मरीज को। तो ये काम करते थे कौन, वर्कर्स, वो मरीज को देते। फिर फ्रॉम देयर द वर्ड कंपाउंडर क्वाइंड, तो फिर वहाँ से ये वर्ड निकला, आपने सुना होगा कि डॉक्टर के पास कंपाउंडर हैं, तो वो कंपाउंडर वर्ड कहाँ से निकला, यहाँ से निकला कि जो उनके पास वर्कर्स रहते थे वो काम करते थे, दवाओं को कंपाउंड भी करते थे, तो वहाँ से निकला कंपाउंडर। आज कंपाउंडर का मतलब ये समझा जाता है कि जो हॉस्पिटल में रह के मतलब सेवा करता है लोगों की, सुई वुई लगाता है, लेकिन असल मतलब क्या है, जो दवाओं को कंपाउंड करता था। फिर पांचवा पॉइंट क्या हुआ, बिफोर 1948 एक्ट, फिर क्या हुआ, 1948 में एक एक्ट लागू हो गया, एक लॉ कानून लागू हो गया अपने इंडिया के अंदर, ठीक। पहले लोग जो दवाएं बेचना शुरू कर दिए थे बहुत सारे, तो वो लोग क्या करते थे, कोई लाइसेंस कोई पढ़ाई कुछ भी ज़रूरत नहीं होती थी, जिसका मन करता था थोड़ा बहुत उसको नॉलेज हो गया तो वो जाके दवाओं को लेके बेचना शुरू कर देता था, जैसे बुखार की दवाओं की छोटी मोटी दवाएं बेचते वो लोग, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था, ठीक। तो ये कब से हुआ था, 1948 से पहले, और ये कोई क्राइम नहीं था, कोई जुर्म नहीं था, इसमें कोई कानूनी नहीं था। उसके बाद फिर क्या हुआ, आफ्टर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और कॉस्मेटिक एक्ट लागू हो गया, एनफोर्स मतलब ये कि उसको लागू कर दिया गया कि सबको मानना पड़ेगा अब ये, ठीक है। जब ये लागू हो गया, इट वाज कंपलसरी, तब क्या था, तब ये जरूरी हो गया दैट द फार्मासिस्ट आर वर्किंग इन इंडिया, के जो भी लोग फार्मासिस्ट इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, यानी जो दवा वगैरह बेच रहे हैं या फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, मस्ट हैव, यहाँ पे हैव लगा दिए, छूट गया है, मस्ट हैव ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अब उनके लिए ज़रूरी हो गया कि उनके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो कि ये फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करता है, यानी ड्रग लाइसेंस बनवाना उनके लिए क्या हो गया, ज़रूरी हो गया, ठीक। अब वो जो ड्रग लाइसेंस बन रहा था, यानी ये फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो कौन इशू करता था, तो जो जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपना मतलब उन्होंने बना रखे थे कुछ डिपार्टमेंट, वो लोग क्या करते थे, इशू करते थे, यानी स्टेट लेवल पे होता था, इन विच दे विश टू प्रैक्टिस, यानी जिस स्टेट में वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जिस स्टेट में वो फार्मासिस्ट के तौर पे काम करना चाह रहे हैं, तो उसी स्टेट से क्या होता था, ये फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, ठीक। बट नो क्वालिफिकेशन वॉज रिक्वायर्ड, लेकिन उस वक्त में भी अभी कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं था, यानी मतलब कि ये डिग्री या ये कोर्स किया हो, डिप्लोमा किया हो, बैचलर कोर्स किया हो, कोई ऐसी मतलब क्वालिफिकेशन की ज़रूरत मतलब उस वक्त डिमांड नहीं थी, बल्कि जो भी जाता था मतलब देखते थे कि हाँ इसके अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसके लिए लाइसेंस बनवा दिया जाता, तो बताता था कि मैं डॉक्टर के पास रहा हूँ ऐसे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस वक्त कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। आफ्टर दी फार्मेसी एजुकेशन हैव बिकम इफेक्टिव, लेकिन कह रहे कि जब फार्मेसी एजुकेशन इफेक्टिव हो गया, यानी ये कि उसको अच्छे से पढ़ाया जाने लगा और बहुत सारे लोगों ने कोर्स कर लिए,
जब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा कर लिया, बी फार्मेसी कर लिया, नर्सिंग का कोर्स, और भी बहुत सारे इस टाइप के कोर्स हैं जो मतलब इसके इक्वल माने जाते हैं, तो जब वो कोर्सेज लोगों ने कर लिए, यानी ये वाला जब एजुकेशन आम हो गया, लोग उसको पढ़ने लगे, बहुत सारे लोग पढ़ चुके, नाउ इट वॉज कंपल्सरी टू पास एन ही आएगा एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन टू बिकम ए न्यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो अब इसका मतलब क्या है, तब ये ज़रूरी हो गया कि अब कोई नया फार्मासिस्ट यानी कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहा है, कोई फार्मासिस्ट बनना चाह रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई ऐसा एग्ज़ाम पास किया हो जो अप्रूव्ड किया गया है, ठीक है, जिसको मंजूरी मिल चुकी है किससे, गवर्नमेंट से या PCI से, ठीक, ये इसका मतलब है। तो ये कब हुआ, 1948 के बाद, कुछ मतलब सालों के बाद, जब मतलब पढ़ाई अच्छे से होने लगी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया, तो अब ये लागू कर दिया गया कि हर कोई अब क्या दवा नहीं बेच सकता और लाइसेंस हर एक को नहीं मिलेगा, बल्कि जो लोग भी वो पढ़ाई करेंगे, जो अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, जो मंजूर किए गए कोर्सेज हैं, जो लोगों करके आएंगे, उन्हीं को अब ड्रग सर्टिफिकेट मिलेगा, ड्रग लाइसेंस मिलेगा, ठीक। आठवां पॉइंट क्या है, अब ये कि क्या पढ़ना, क्या कितना आदमी पढ़ा हो तो मिल जाएगा उसका, तो ये कहे कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज डिप्लोमा, तो कितनी पढ़ाई उसके लिए ज़रूरी थी, तो कम से कम क्या था, डिप्लोमा किया हुआ फार्मेसी में, यानी जिसको बोलते हैं डी फार्मा किया हुआ अगर कोई है तो उसको क्या वो अप्लाई कर सकता था, और एनी अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाई PCI, या कोई अगर कोई दूसरा अगर अलग कोर्सेज हों जो कि PCI से क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिसको अप्रूव्ड कर रखा हो, तो वो भी क्या कर सकता था, ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता था। जैसे कि मान लीजिए एक MBBS है, तो वो बहुत सारे ड्रग लाइसेंस अपने थ्रू क्या कर सकता है, वो इशू करा सकता है। अब इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ ली, अब इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, इसका सिनेरियो पढ़ना है, यानी इसका क्या अभी फ़िलहाल क्या इसकी मतलब वैल्यू है, कैसा ये काम कर रहा है, क्या पोजीशन है इसकी अपने इंडिया के अंदर और कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे। तो हम इसमें एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के बारे में देख लेंगे और अपनी कंट्री के बारे में देख लेंगे। तो डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन टूडेज वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं कि आज की जो दुनिया है, आज का जो टाइम है, इसमें जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, यानी जो डिफार्मा किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ जो फार्मासिस्ट लोग हैं, तो ये बहुत क्या है, अहम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, क्या है, बहुत सारे इनसे बहुत सारे फ़ायदा पहुंचता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। और क्या है, दी फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट हैज़ चेंज्ड ओवर द लास्ट 50 ईयर एज कम्युनिटी हेल्थ डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड। ये कह रहे हैं कि अब एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियाँ, उसके काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बढ़ गई हैं, उसके फंक्शन मतलब उसके काम, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बढ़ गई हैं पिछले 50 सालों से, ठीक है, 50 सालों से क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और दूसरे लोगों में अपने हेल्थ को अच्छा करने की एक ख्वाहिश भी बढ़ रही है, लोग हर आदमी चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, तो इसके साथ साथ में क्या है, फार्मासिस्ट की जो फंक्शन है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो काम है, वो भी क्या है, उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक। ये तीसरा पॉइंट क्या है, टूडे फार्मासिस्ट आर गिविंग सर्विसेज एज मेडिकल काउंसलर, एजुकेटर, कंपाउंडर एंड ऑल्सो डिस्पेंस दी प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। आज के टाइम पे जो फार्मासिस्ट हैं, वो बहुत सारे सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी बहुत सारी खिदमत दे रहे हैं, बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं, कैसे कि मेडिकल काउंसलर के तौर पे, यानी कि लोगों को काउंसिल करते हैं कि कौन सी दवा लीजिए, किस हॉस्पिटल में दिखाइए, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को माइंडली तौर पे भी उनको मतलब नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनके डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, उनको सलाह मशवरा देते हैं। दूसरा, एजुकेटर के तौर पे काम करते हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कोई जाके स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो फार्मासिस्ट जैसे भी काम कर रहे हैं। और क्या, कंपाउंडर के तौर पर काम कर रहे हैं, कंपाउंडर का मतलब समझिए कि डॉक्टर के पास रह के काम कर रहे हैं, या दवाओं को कंपाउंड करने का काम वो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं बहुत सारे फार्मासिस्ट। और क्या कर रहे हैं, डिस्पेंस करते हैं, यानी दवाओं को, जैसे कोई क्या आया, लेके आया प्रिस्क्राइब, पर्ची लेके आई, डॉक्टर ने लिखा कि ये दवा आप ले लीजिए, तो वो क्या करता है, लेके रिटेलर के पास, यानी फार्मासिस्ट के पास, मेडिकल स्टोर में लाता है, तो वो दवा उसको लिख के देखता है, अच्छा अच्छा ये, तो वो दवा क्या करेगा, उसको देगा, तो इसी को बोलते हैं डिस्पेंस करना, और फिर बताएगा कि ये कब खानी है, कितनी आपको इसमें आधी गोली खानी है, एक गोली खानी है, सुबह में खाना, शाम में, कब, दोपहर में खाना है, तो ये काम करता है कौन, फार्मासिस्ट। तो ये प्रिस्क्राइब ड्रग भी देता है और नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग भी देता है। प्रिस्क्राइब मतलब जो पर्ची में लिखी हुई आई कहीं से, और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि सर हमको ये पैरासीटामोल दे दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए, तो इस तरीके से भी कोई आके मांगता है, तो ऐसी दवाएं भी वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब इसका हम इंटरनेशनल सिनेरियो देख लेते हैं।
कि इसकी पोजीशन क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इन इंग्लैंड कम्युनिटी फार्मेसी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्राइमरी केयर। तो इंग्लैंड के अंदर भी क्या है अभी फिर इस ज़माने में प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली जो कम्युनिटी फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर है, इस टाइप की जो फार्मेसी छोटी छोटी दुकान है क्लिनिक टाइप की, तो वो क्या है एक इम्पोर्टेंट रोल क्या कर रहे हैं अदा कर रहे हैं, कैसे किन में, इन प्राइमरी केयर यानी जैसे शुरू में आदमी को छोटी मोटी बीमारियां होती जैसे कि बुखार हो गया, सर्दी खांसी जुकाम नज़ला सर दर्द बदन दर्द दस्त बुखार, इस टाइप की जो छोटी छोटी बीमारियां हैं इसको प्राइमरी केयर बोलते हैं। तो ऐसी बीमारियों में भी क्या है ये बड़ा रोल अदा कर रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी। और क्या इंग्लैंड, इन इंग्लैंड देयर आर अबाउट 11,700 कम्युनिटी फार्मेसीज। कह रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर तकरीबन इस वक्त में 11,700 कम्युनिटी फार्मेसीज हैं यानी मेडिकल स्टोर टाइप की छोटी छोटी क्लिनिक टाइप की इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे हैं। एंड और कितना 1.6 मिलियन लोग यानी 10 लाख और 60 हज़ार लोग तकरीबन क्या है रोज़ाना फ़ायदा उठा रहे हैं इससे, ठीक कम्युनिटी फार्मेसी से। और क्या पीपुल, इसका एक पॉइंट और देख लीजिए, पीपुल वॉन्ट टू गो टू फार्मासिस्ट फॉर प्राइमरी केयर। लोग क्या चाहते हैं कि फार्मासिस्ट के पास जाएं अपनी प्राइमरी बीमारियां, जो बीमारियां होती हैं प्राइमरी जो दिक्कतें होती हैं उसमें, यानी अभी मैंने बताया जैसे बुखार नज़ला खांसी जुकाम इस टाइम की जो बीमारियां होती हैं, तो लोग इस बात को ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो फार्मासिस्ट के पास जाएं बिकॉज दे आर इजिली अवेलेबल, क्योंकि ये लोग आसानी से मिल जाते हैं फार्मासिस्ट के लिए, यानी कि नंबर लगाना पड़ेगा, पर्ची लगानी पड़ेगी, फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कुछ नहीं करना रहता है, आसानी से उनसे मिल सकते हैं। एंड नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, वहाँ कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड देयर सर्विसेज आर इकोनॉमिकल, और इनकी जो सर्विस है वो क्या है इकोनॉमिकल यानी सस्ती है, समझ लीजिए हर आदमी उसको क्या कर सकता है अफोर्ड कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया सिनेरियो में क्या है इसकी पोजिशन। तो इन इंडिया देयर आर अबाउट, इन इंडिया देयर आर अबाउट 6 लाख लाइसेंस्ड रिटेल स्टोर्स फॉर सेलिंग एंड सप्लाइंग द मेडिसिन। इंडिया के अंदर तकरीबन 6 लाख लाइसेंस रिटेलर हैं, कितने तकरीबन 6 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब लाइसेंस लेके मेडिकल स्टोर या क्लिनिक अपना छोटा मोटा फार्मेसी क्या खोल रखी है, कितने तकरीबन 6 लाख लोग, ठीक है, फॉर सेलिंग एंड सप्लाइंग दी मेडिकेशन। वो लोग वहाँ से क्या करते हैं दवाओं को मतलब सेल करते हैं, बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। बट ऑल द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डोंट हैव सफिशियंट नॉलेज, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हैं मतलब जो अपने आप को फार्मासिस्ट तो कह रहे हैं, लाइसेंस भी ले लिया है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, ना तो बीमारियों के बारे में ना दवाओं के बारे में सही से उनके नॉलेज नहीं है, क्योंकि पढ़ाई नहीं की उन्होंने अपने टाइम पर, सिर्फ एग्ज़ाम जब आया तब एक महीना पढ़ लिया, तो इस तरीके से नॉलेज नहीं है, लाइसेंस ले लिया है, ठीक है। एंड डिसीज़, और डिसीज़ के बारे में उनको क्या है पता नहीं है। एंड प्रैक्टिसिंग, और फिर भी क्या कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी लोगों को दवा दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर इंडियंस, जो कि इंडियन के इंडिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं बहुत सारे लोग हैं लेकिन क्या है उनके पास लाइसेंस भी है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है दवाओं के बारे में भी और न तो डिसीज़ के बीमारियों के बारे में, लेकिन फिर भी वो क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब ये कि लोगों को दवा दे रहे हैं उनके बीमारियों में। अब जहाँ पे कौन सी दवा देनी है अच्छे से वो जानते भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मालूम है तो उठा के दे दे रहे हैं, लोगों को फ़ायदा तो हो जा रहा है फिलहाल, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आएगा लंबे समय में वो उसका ध्यान नहीं देते हैं वो, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और एक पॉइंट क्या है, देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया के अंदर एक ये दिक्कत है, एक बीमारी है समझ लीजिए, टू ब्रेक द रूल्स, रूल रेगुलेशन जो होते हैं उसको तोड़ने की, ये समझते हैं कि रूल तोड़ रहा हूँ तो मैं बड़ा महान आदमी हूँ कि मैं रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के अंदर। इन इंडिया ऑल द ड्रग्स इवन दोज लिस्टेड इन शेड्यूल एच ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे मतलब लोग ऐसे हैं जो दवाएं शेड्यूल एच में लिस्टेड हैं यानी वो एच शेड्यूल में आती हैं उनको भी बेच देते हैं बिना प्रिस्क्राइब के। इस एच शेड्यूल का मतलब ये है कि इसमें कुछ दवाएं ऐसी हैं तकरीबन 510 या कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको लिस्ट में डाला गया है कि ये शेड्यूल एच वाली हैं, ऐसी आता है शेड्यूल एक्स करके, शेड्यूल एक्स आती है दवाएँ,
तो ये लोग, ये दवाएं ऐसी हैं कि जो इनके बारे में ये रूल बना हुआ है, ये कानून है कि इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को देना नहीं है। यानी अगर कोई डॉक्टर लिख रहा है कि हाँ ये दवा लेके आओ, तभी ये क्या करेंगे, हम ये दवा मेडिकल स्टोर वाले के लिए, तभी मेडिकल स्टोर वाले ये क्या दवा दें दूसरों को। लेकिन होता क्या है कि मेडिकल स्टोर वालों को पैसा कमाने के लिए, चाहे प्रिस्क्राइब किया हो किसी ने या ना किया हो, और किसी ने मांग लिया तो तुरंत निकाल के दे देते हैं। हालांकि ये सही नहीं है, वही क्या कर रहे हैं, ये रूल को तोड़ रहे हैं। वही मतलब है इसका कि चाहे वो प्रिस्क्राइब ड्रग हो चाहे ना हो, लेकिन जो दवाएं शेड्यूल एच में आती हैं, ऐसे ही शेड्यूल एक्स में आती हैं, इन दवाओं के बारे में ये है कि इनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना नहीं है। ये दवाएं कुछ ऐसी होती है जो मतलब आदमी को नशा, मतलब एडिक्शन हो सकता है, समझ रहे हैं, कुछ ऐसी होती है जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो पावरफुल होती हैं, तो उन दवाओं को कैटेगराइज कर दिया कि इन दवाओं को मतलब हर किसी को, कोई भी आए उसको देना नहीं है, ठीक है। लेकिन दे देते हैं लोग, तो ये गड़बड़ी करते हैं। और क्या तीसरा पॉइंट, पीपल वॉन्ट टू गो टू फार्मासिस्ट फॉर प्राइमरी केयर, वही वाला जो थी उसमें आपने पढ़ा इंग्लैंड वाले में, कि यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, मतलब फार्मासिस्ट के पास जाना चाहते हैं छोटी मोटी बीमारियों में, इसलिए कि इनको आसानी से वो लोग मिल जाते हैं, यानी फार्मासिस्ट आसानी से अवेलेबल रहते हैं। कहीं पे भी जाएंगे मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा आराम से, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, एंड देयर सर्विसेज आर इकोनॉमिकल, और इनके जो इनके सर्विसेज हैं वो क्या हैं, इकोनॉमिकल यानी सस्ती हैं, हर आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे क्या है फ़ायदा उठा सकें। और अगर हम आपको PDF चाहिए या और भी बहुत सारी बेनिफिट्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।